ये है एक छोटा सा हरिपुर गांव। इस गांव में एक लड़का रहता था, रमेश। रमेश ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन बहुत ईमानदार और अपने बाप का फरमाबरदार था। रमेश के बाप की एक छोटी सी जमीन थी जिसपे बैंगन के पेड़ थे। रमेश रोज अपने बाप की जमीन पर काम करता, बैंगनों को मार्केट में बेचकर घर का खर्च चलाता था। रमेश काम कर रहा था कि अचानक एक आदमी आया। रमेश भाई, आपके बाबा की तबीयत बहुत खराब है। वो आपको फौरन बुला रहे हैं। रमेश फौरन अपने बाप के पास पहुंचा। बाबा, आपको क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है? रमेश के बाप ने जवाब दिया। बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। सुबह मेरी थोड़ी तबीयत बिगड़ गई थी। इस उम्र में तो आए दिन बीमारियां लगती ही रहती हैं। तुम ज्यादा फिक्र नहीं करो। लेकिन बाबा, आपकी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। आप थोड़ी देर रुकें, मैं आपके लिए बाजार से दवाई लेकर आता हूं। रमेश का एक भाई भी था, राज। राज पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करता था और वो रमेश और उसके बाप से अलग रहता था। रमेश अपने भाई राज के पास कुछ पैसे लेने आया। हाँ रमेश, कैसे आना हुआ यहाँ? राज, बाबा की तबीयत बहुत खराब है, उनकी दवाई लेनी है। मेरे पास पैसे थोड़े कम हैं, क्या तुम मुझे पैसे कुछ उधार दे सकते हो? राज ने जवाब दिया। हाँ क्यों नहीं, तुम मुझसे पैसे ले सकते हो, लेकिन जब तुम्हारे पास पैसे हों तो मुझे वापस कर देना। तुमने मुझे पहले के भी पैसे वापस नहीं किए थे। राज इतना अमीर होने के बावजूद खुदपरस्त और लालची था। उसको अपने बाप की भी फिक्र नहीं थी। रमेश फौरन से बाजार जाके अपने बाप के लिए दवाई लेकर आ गया। ये ले बाबा, मैं आपके लिए दवाई लेकर आया हूं। बेटा, तुमने फजूल में इतने पैसे खर्च कर दिए, तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से? रमेश ने जवाब दिया। बाबा, मैंने राज से कुछ पैसे उधार ले लिए हैं, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं उसका उधार वापस कर दूंगा। थोड़ी ही देर बाद हरिपुर गांव में बहुत तेज बारिश हुई। अगले दिन रमेश जब अपनी जमीन पर आया तो वो देखकर हैरान रह गया। अरे ये क्या, मेरे तो सारे बैंगन तबाह बर्बाद हो गए हैं। ये सब कुछ कल की बारिश की वजह से हुआ है। अब मैं बाजार में जाकर क्या बेचूंगा? बाबा की भी तबीयत बहुत खराब है, राज को भी उसके पैसे वापस करने हैं, अब मैं क्या करूंगा? परेशानी की हालत में रमेश घर वापस आ गया। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम अभी तो थोड़ी देर पहले गए थे, जल्दी वापस आ गए। कुछ नहीं बाबा, आपकी तबीयत की वजह से जल्दी वापस आ गया। नहीं रमेश, कोई ना कोई तो बात है, तुम बहुत परेशान भी लग रहे हो। बताओ मुझे क्या बात है? रमेश ने अपने बाप को सब बताया कि कैसे उसकी जमीन की सारे बैंगन तबाह बर्बाद हो गए। बेटा गम नहीं करो, कोई ना कोई हल निकल आएगा। ऐसा करो कि तुम राज के पास जाओ, वो तुम्हारा भाई है, वो तुम्हारी जरूर मदद करेगा। लेकिन बाबा, मैंने राज से अभी तो पैसे उधार लिए हैं, उससे दोबारा से उधार कैसे मांगू? कोई बात नहीं बेटा, भाई भाई एक दूसरे के काम आते हैं, तुम फिक्र नहीं करो और राज के पास जाओ। जब रमेश राज के घर पहुंचा तो राज की बीवी सोनिया बाहर आई। सोनिया भाभी, मुझे राज से मिलना है। सोनिया एक बहुत ही घमंडी औरत थी। उसे अपने पैसे का बहुत गरूर था। राज तो अभी घर पे नहीं है। तुम बताओ तुम्हें क्या काम है? रमेश ने सारी बात सोनिया को बताई। सोनिया ने रमेश की सारी बात सुनकर कहा, देखो रमेश, बुरा नहीं मानना, लेकिन राज बहुत मेहनत से कमाते हैं और वो इसलिए नहीं कमाते कि वो तुम्हें और तुम्हारे बाप पे लुटाते रहें। अगर
अगर तुम भी राज की तरह थोड़ा पढ़ लिख लेते तो आज ये हालत नहीं होती। अब जाओ और यहाँ नहीं आना। वैसे भी हम बहुत जल्द इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। सोनिया की बातें सुन के रमेश बहुत उदास हो गया। रमेश घर वापस जाते हुए सोचने लगा कि अब वो क्या करे, कैसे वो पैसों का बंदोबस्त करे। अगले रोज जब रमेश अपनी जमीन पर गया तो हैरान ही रह गया। रमेश ने देखा कि वहां एक बहुत बड़ा दरख्त है जिसपे बहुत सारे बैंगन लगे हुए हैं। अरे ये क्या, कल जब मैं यहां आया था तो यहां कुछ भी नहीं था। कल तक तो सब कुछ बर्बाद था, तो ये कैसे हुआ? ये तो जादू ही हो गया। अचानक से वो दरख्त बोला, हाँ, मैं एक जादुई दरख्त हूं। दरख्त को बोलते हुए सुन के रमेश बहुत डर गया। क्या क्या तुम इंसानी जबान बोलते हो? दरख्त ने जवाब दिया, हाँ, मैं एक जादुई दरख्त हूं। तुम बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी हो। कल तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुमने सबर किया और यही तुम्हारे सबर का फल है। ये सुन के रमेश बहुत खुश हो गया। रमेश जितने बैंगन तोड़ सकता था तोड़े और मार्केट में बेचने चला गया। बाजार में जो सारे बैंगन बेचे थे उसके सारे पैसे लाकर उसने अपने बाप को दे दिए। रमेश का बाप इतने सारे पैसे देख के हैरान रह गया। उसने पूछा, अरे रमेश, ये इतने सारे पैसे कहां से आए? क्या ये इतने सारे पैसे राज ने दिए हैं? नहीं बाबा, ये राज ने नहीं दिए हैं। रमेश ने फिर सारी बातें अपने बाप को बताई। ये सारी बातें सुन के रमेश का बाप भी बहुत हैरान रह गया। ये तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना है कि कोई जादुई दरख्त भी होता है। हाँ बाबा, मैं भी बहुत हैरान और परेशान हूं कि ये सब कैसे हो गया। अगले दिन फिर रमेश सारे बैंगन लेके बाजार में बेचने आ गया। अरे भाई, ये कितने के बैंगन दिए? 10 रुपए किलो बैंगन दे रहा हूं, क्या आपको लेने हैं? अरे इतने सस्ते बैंगन, चलो मुझे 2-4 किलो बैंगन बांध दो। रमेश बाजार में सबसे सस्ते बैंगन दे रहा था जिसकी वजह से लोग सिर्फ उसी से बैंगन खरीद रहे थे। रमेश खुशी खुशी अपने घर आया और अपने बाप के लिए दवाइयां और फल भी लेकर आया। बाबा मैं बहुत खुश हूं, इस जादुई बैंगन के दरख्त की वजह से तो हमारे सारे मसले ही हल हो गए हैं। ये सारी बातें सुन के रमेश का बाप भी बहुत खुश हुआ। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कुछ टाइम बाद रमेश ने एक बहुत बड़ा घर ले लिया। बाबा आपको अपना नया घर कैसा लगा? बेटा ये तो सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। बाबा इसमें मेरी मेहनत क्या, ये तो सब उस जादुई दरख्त की वजह से हुआ है। बेटा तुम अभी तक नहीं समझे क्या, वो दरख्त भी सिर्फ तुम्हें ही क्यों मिला? वो दरख्त तुम्हें इसलिए मिला क्योंकि तुम एक मेहनती और ईमानदार आदमी हो, और तुम पे जब कभी भी कोई भी मुश्किल आ जाए तुम सिर्फ सब्र करते हो। ये सब तुम्हारे सब्र का नतीजा है। थोड़े ही वक्त में रमेश इतना अमीर हो गया कि अब वो सारे गांव वालों की मदद करता है। रमेश भाई आप बहुत अच्छे आदमी हैं, अब तो आप इतने अमीर हो गए हैं, लेकिन आज भी आपने हमारा ख्याल रखना नहीं छोड़ा। रमेश ने जवाब दिया, ये तो मेरा फर्ज है, आखिर अपने ही अपनों के काम आते हैं।